इसलिए कि वो बेचारे गरीबों के लिए आवाज़ उठा करके अपने मंत्री पद को छोड़ दिया, वो पैसे के लिए बिका नहीं। अगर पैसे वाला होता, गरीबों का खून पीने वाला होता तो मंत्री पद लाल बत्ती में घूमता है। ओम प्रकाश गरीबों के लिए दुका कहा था, वो करी खातिर लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश गरीबों का क्या वो होता है? पिछली बार तो अखिलेश के विरोध में लड़ता ना, लड़ता ना भाजपा में रहना, ना उनको सुनवाई भले तो आ गई ना गरीबी। यादव जी क्या माहौल है? ठीक बा, ठीक बा। वोट दिया आई छड़ी पा की साइकिल पर दिया? छड़ी पे, जहाँ छड़ी है वहाँ छड़ी, जहाँ साइकिल है वहाँ साइकिल। साइकिल गठबंधन में सारे यादव जी लोग वोट देंगे छड़ी पे? जरूर देंगे, एकदम लगे हुए हैं। देखिए छड़ी के लगे हुए हैं, 99% इस बार यादव वोट करने जा रहे हैं। 1% क्या करिए? 1% जो मान लीजिए किसी के साथ है वो पर्सनल अपने साथ है, यहाँ तक कि अपने परिवार का वोट नहीं दिला सकते हैं वो लोग, न किसी रिश्तेदार का, सिर्फ वही 1% है। 99% यादव का वोट छड़ी पे इस बार पड़ने जा रहा है, और अब तक का हम लोग सबसे बड़ा इतिहास होगा कि यादव का वोट इतना बड़ा एक साथ पड़ने जा रहा है। तो ओम प्रकाश आज भर तक कहना यादव बड़े चतुर हो, पानी में दूध मिला के कुल बेच देना, बड़ा पैसा कमा लेना। वो तो जिसको मौका मिलता है वो कहता है, विपक्ष वाले तो यही कहेंगे। ओम प्रकाश राजभर कहना नहीं, तो मौका मिलता है तो करते ही बात है। वो तो मान लीजिए कि यादवों की जैसे सब लोगों की अपनी अपनी है, वैसे यादवों का वो भी है कि दूध बेचेंगे, पानी मिलाएंगे, पानी बिना पानी मिलाए तो अगर ऐसे प्योर दूध दे देंगे तो दूध ही नहीं पचा पाएंगे कोई। सबसे बड़ी चीज है दूध पचाने के लिए क्षमता चाहिए, वो यादव के पास है सिर्फ। मतलब आपकी बुराइयों को भी आप अच्छाई बना के पेपर नहीं, हम आपको दूध पिला देंगे प्योर तो आप नहीं पचा पाएंगे। दूध देने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर हम प्योर दूध देंगे तो वही कहेंगे कि दूध बढ़िया नहीं दिया है। आप राजभरों को चतुर बना देंगे आप लोग भी ऐसे करो? वो तो चतुर पहले से है। प्रकाश राजभर यही कर रहे हैं कि यादव को नकल करो, चतुर बन जाओ। अगर चतुर नहीं होते तो आज भाजपा की मतलब की नैया डुबा दिए हैं। नैया डुबा दिए हैं? बिल्कुल डुबा देंगे आप एकदम बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से भाजपा साफ, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, एकदम मजबूत है आप लोग। मजबूत है एकदम। का हाल बा? ठीक बा। का माहौल चल बा? ठीक बा। ठीक के कर सरकार बने? ओम प्रकाश का। कुछ काम कैला है 5 साल में? 5 साल में ना कैला, तो अमन के बिरादर हो तो कहीं भी करियो ना। अच्छा बिरादर हो? हां। काली चरण तो तोर बिरादर हो? काली चरण से ना मतलब है का है ना, वो विधायक रहल हम तो विधायक 2 साल रहल हम, कुछ ना कैले हम, कुछ ना कैले नहीं। अब भाजपा से आए हो कमल के फूल पर? कोई से आओ, समाज वही जगह है ना, कर हमारा समाज वही जगह है राजभर को। इनकी जगह से पहले काली चरण विधायक रहने भाजपा में सलीकार दूँ आदमी। अच्छा ये सिद्धा करवा? हाँ। सदा फातिमा भी आयल बाणी कथी तहसील सिरकुल मई बनौले? हाँ सबे बनौले बा, तो हम के बिरादर ने देखल जे केवरी का देखल बिरादर पोर्ट मिले। हाँ काम हम ना देखवा? ना काम ना देखवा। अच्छा का तू देखवाओ? बस अपन विकास देखेंगे। विकास तो ओम प्रकाश राजभर जी विकास किए हैं बहुत पहले ही से ही। का कहला 5 साल? बहुत कुछ कहले बना, आप जनता से पूछ लीजिए, बहुत कुछ किए हैं और किए हैं तभी तो पूरा माथ ले जग गए लमन का राजभर का कुछ रहबे न कई जग गए लमन। अच्छा ओम प्रकाश जगा दे? हाँ जगा दिले हम। बहुत से राजभर बिरादरी नेता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसे अपनी जाति को ऊपर कर दिया कि ऐसा कोई कर नहीं पाएगा आज तक। अच्छा। हाँ कोई नहीं कर पाएगा और उनके जैसा नेता भी कोई पैदा नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर साथ हैं हम लोग? हम लोग सभी छात्र हैं, सभी लोग उनके राजभर हैं क्या? हम भी राजभर हैं, हम चमार हैं। अच्छा चमार हैं। हाँ तो बसपा को नहीं वोट देंगे? नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि चमार तो बसपा ही होते हैं। कोई जरूरी नहीं, आजकल भाजपा आजकल चमार भी 60% 90% राजभर के साथ में है। राजभर साथ है? राजभर ही के साथ में है। क्या वजह लगता है आपकी? बात करते हैं, सब कुछ करते हैं? सब कुछ करते हैं, बढ़िया है सब। हमसे भी बात होती है उनसे, राजभर जी से। हाँ। सब सही है, करीबी हैं। इसलिए कि उनकी नीतियाँ पसंद है? नहीं नहीं नीतियाँ पसंद है, वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। हाँ। गरीबों के बारे में हर एक फैसला उनका अच्छा है, गरीबों के बारे में सब काम करते हैं। तो सरकार में थे, विधायक थे, तो कुछ किए पहले? जब कुछ किए हैं, बहुत किए। जौराबाद में आप पता कर लीजिए, यहीं पे पता कर लीजिए, सभी कार्यकर्ता हैं, नेताजी खड़े हैं यहाँ पे। नेताजी कहे करिए कि अच्छा उनकी पार्टी का? ऐसी बात नहीं है, नेताजी किसी भी पार्टी से होंगे, चाहे कोई भी दूसरे दल के भी नेता बोलते कि ओम प्रकाश अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मायावती? मायावती भी जब थी तभी किए, लेकिन बाकी जो उनके नीचे के नेता लोग हैं वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ? वो तो बहुत
उनका नाम मत लीजिए। अच्छा, नाम मत लीजिए उनका। सांड तो इतना बर्बाद कर दिया है पूरे अपने प्रदेश को। देखिए सांड कचहरी में बैठा हुआ है, ये कचहरी बैठने के लिए है, तहसील है बैठने के लिए है, ऐसा ही सांड है। बताइए सांड से परेशान हुआ, सांड से तो पूरे किसान परेशान है, सांड से परेशान हुआ कहा। अरे भैया हम लोग का तो जजात चल गए, क्या हुई वोट में, वोट में क्या होगा, अखिलेश अखिलेश को बनाएंगे, विधायक ओम प्रकाश के इनके बनाएंगे, विधायक रहना पहली बार तो भाजपा से रहना, नहीं तो ओम प्रकाश के बनाएंगे। हाँ मानने की आगे विकास के मामले में तो सदा फातिमा के लिए ओम प्रकाश कहाँ घूमल बाड़ा, पाँच साल में कहीं देख ले बड़ा अपन चेहरा है, कहे के तो योगी जी के खराब कहत बड़ा लोग, योगी जी साढ़ पल्ले रहना छोड़ दिले बड़ा इन लोग की कास्ट में साढ़ तीन लोग का हर नहीं खे गाय भैंस तो पाल खेते नहीं खी तो बच्चा कहाँ से दिया। अच्छा ठीक है भाई, सबके बोले का अधिकार है। सदा फातिमा का क्या लगता है, मतलब अभी सदा फातिमा का दिया हुआ ये तहसील है, उन्हीं उन्हीं के उत्थू से सात तहसील आया, बसपा से उम्मीदवार बन के आई है, तो क्या माहौल है, विकास की है तो वोट पड़ेगा उनको, वोट देंगे आप बिल्कुल सदा फातिमा को देंगे बिल्कुल। हाँ सदा फातिमा बीजेपी वाले का कालीचरण, कालीचरण भाई वो अपना समझे, हम लोग सदा फातिमा जो विकास किया है उसको। अच्छा हाँ विकास पे वोट पड़ेगा, देखिए जाहिर सी बात है सभी विकास की बात कर रहे हैं, विकास पे वोट पड़ेगा। आप बोलेंगे चचा, बताइए क्या रहेगा चुनाव में, कौन विधायक बनेंगे? ओम प्रकाश जी बनेंगे, का है इसलिए कि वो बेचारे गरीबों के लिए आवाज़ उठा करके अपने मंत्री पद को छोड़ दिया, वो पैसे के लिए बिका नहीं, अगर पैसे वाला होता गरीबों का खून पीने वाला होता तो मंत्री पद लाल बत्ती में घूमता है। क्या पड़ती उसको, सही बोल रहे चाचा, क्या पड़ी थी क्यों मंत्री पद छोड़ दिया, क्या उसको कष्ट था मंत्री पद रहते हुए, वो गरीबों के लिए जब आवाज़ उठाया कोई नहीं सुना वो पद छोड़ दिया, तो इतना बड़ा त्यागी कौन है। तो विधायक निधि से कुछ किए, विधायक निधि थी ना सर, जब उनको कुछ मिलता ही नहीं था, जो विधायक निधि मिली है उसमें तो काम किए हैं, लेकिन विधायक हाँ जरूर किया है वो आदमी, ज्यादा स्वास्थ्य में पैसा दिए हैं नेताजी, और सुनिए 6,78,00,000 रुपए गरीबों को इलाज के लिए दिए हैं पूरे प्रदेश में। कोई भाई साहब कह रहा था यहाँ कि फातिमा जी ने तहसील दिया, एक भाई साहब कह रहे थे कि फातिमा जी ने तहसील दिया, अगर अखिलेश नहीं दिए होते तो फातिमा जी लेकर क्यों खड़ा कर दें, तो मांग के लाइन विधायक काम है तो हाँ मांगना तो मांगना, तो जनता मांगी नहीं यहाँ से, यहाँ से जनता मांग की कि हमको कुछ जनता मांगती है, जनता विधायक चुनते हैं, विधायक जी ऊपर मांगते हैं, ऊपर मांगते हैं, तो जनता इनको प्रेरित की और वही जनता को जो भी इन्होंने धोखा दिया ये भी धोखा दी, इसके बाद जनता नाराज होकर के सुहलदेव ओम प्रकाश जी को मान लिया। क्या ओम प्रकाश राजभर जो जनता की बात मांग रहे थे ऊपर नहीं सुनी जा रही थी? नहीं नहीं, अगर नहीं सुनी जाती तो ओम प्रकाश राजभर आज मंत्री पद नहीं छोड़ा होता। तो क्या मांग रही है जनता इस समय? इस समय ओम प्रकाश को मांग रही है कि ओम प्रकाश आवे और देश का विकास करेंगे, जब उनके हाथ में कुछ आएगा तभी तो विकास करेंगे। प्रकाश की बात अखिलेश यादव ना सुने तब क्या होगा, और फिर उसके बाद अखिलेश भी चले जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे भाजपा जा रही है, जैसे भाजपा जा रही है उसी तरह से अखिलेश भी चले जाएंगे। सही किया, देखिए जनता है, देखिए जनता बड़े साफ गोई से बात करते हैं, जनता वो साफ गोई से, जब कोई पार्टी के नेता रहते हैं तो भाई पार्टी का पक्ष खींचते हैं, ये जनता है तो जनता नेता नहीं है भैया, इसीलिए हम सीधे बात कहते हैं। ओम प्रकाश जी जो काम नहीं, अगर ओम प्रकाश की बात वो नहीं सुनेंगे तो जनता फिर अखिलेश जी को भी निकाल देगी। लेकिन समय तो बर्बाद होगा ना, और समय तो भाई अब इसके लिए क्या करें, आखिर ये बताइए किसी का सिंह पोस्ट तो जमा नहीं है कि हम बुर्बा खेतिहर मजदूर हम लोग उस पर विश्वास कर लें कि इसकी सिंह जमी है ये हमारा है। भाई समय देना पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा, एक कागज के लिए आते हैं तो हम घर तक 6 घंटा लगाते हैं। समय तो सदा फातिमा अभी तो आई बसपा से वो कर रही है कि सरकार, देखिए अभी ये जो फातिमा जी जो आई हैं ये कोई इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, नहीं ये तो क्या कर देंगी इनको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, अगर किसी को कालीचरण तो विधायक भी थे, विधायक जो थे तो थे, अब तो जैसे मान लीजिए कि हम ये भी कहाँ जाएंगे, बुलडोजर के पास जाएंगे, ये कोटा वोट काटने आए हैं, वोट लेने थोड़ो आए हैं, ये वोट काटने आए हैं, जैसे बताइए देश में सब निकाल दिया है भाजपा को, तो बुलडोजर आवाज का दिक्कत बा, बुलडोजर आवाज से वही बुलडोजर से दिक्कत कहा है ना भैया, सहाबा है जो बड़ा सा सहाबा हमन का खेतवा चोर घालता ना सामान का जोता तो जा चलाया जाता है 3500 रुपया का 35 किलो का खाद कीन के 350 का 45 किलो बोरिया का डालता नहीं जा, पानी किना तन जा, जोताई देता नहीं जा, आ वो का साढ़ चोर घालता। अब हमन का तनख्वाह है भैया, हमने कोनो को रावता केहू से इलेक्शन अब इतने 2400 बोल रहे इलेक्शन से थोड़ा वो हो गया कंट्रोल बा। किसान का कौन का नाम भाई, हम बोल नाम बता दो ना, कौन जेल पुलिस थोड़ा राम जी यादव जी का अखिलेश यादव सरकार बनने की योगी बाबा हां
अखिलेश ओम प्रकाश अखिलेश का फायदा दिखत बा अखिलेश यादव सरकार में बनी तो अब बढ़िया है। ओम प्रकाश गरीबों के लिए दुका कहा था ओकरी खातिर लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश गरीबों का क्या वो होता है? पिछली बार तो अखिलेश के विरोध में लड़ता ना लड़ता ना भाजपा में रहना ना उनको सुनवाई भले तो आ गई ना गरीब गरीबों के लिए इमन का दिक्कत है सरकार में क्या दिक्कत है नहीं गरीबों के लिए वो प्रकार लड़ रहे हैं तो कहता राशन बांटत है किसान के पैसा देते हैं बार दुनिया भर भुलवावे का एक छोट छोट भाई उनको भुलवाने का एक तरीका है। हाँ। छोट राशन में भुला गए हैं सब। हाँ राशन क्या है? राशन तो भुलवावे के एगो छोटा परिवार के एगो आधार बा। भुलाई वाला ना है हमने का भुलाए वाला है जब पाँच हमारा भुले ना एकदम ओम प्रकाश को वोट दिए ओम प्रकाश के मुख्यमंत्री बने बा अखिलेश अखिलेश के क्या आप बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि अखिलेश जी की बात आपने किए तो अखिलेश जी एक तो 100 नंबर दिए तो किसी लोगों के पास चार चक्का है किसी के पास वो हवाई जहाज है हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है। तो हमारी अगर औरत लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं हम पड़ जाते हैं रात में एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस बुला लेते हैं तो बिना पैसा का आती है हमको पैसा नहीं जोड़ना पड़ता है। और बड़े आदमी के पास चार चक्का है कोई दंड हो प्रशासन में जाना हो तो उसके लिए तौर अब गाड़ी निकल जाएगी हमको गाड़ी खोजना पड़ेगा तो हमारे लिए 100 नंबर दे दिए अब इससे बड़ा हमको क्या चाहिए? इस बार क्या मुद्दा होगा आप सरकार बने तो क्या चाहते हैं? वही चाहेंगे जो आएंगे अपना जो उनका फैसला लेंगे अपना जो करेंगे जो विकास नहीं करेंगे हम लोग ऐसे सुविधा नहीं देंगे। और कुछ जरूरतें लग रही हैं कि और कुछ होना चाहिए मजा अखिलेश सरकार बन गए भैया लड़कों का पढ़ावा तंग हम इनका दूध बेच के और लड़का घूमता तो हमारी गड्डी करता स्कूल तो बनवा स्कूल अब तो बंद हो गई बा आवारा गिड्डी करते हम सब घूमत हम सब पढ़ाई है ये नहीं के बेरोजगारी बा नौकरी मिलती नहीं के नौकरिया ये कहूँ निकल भी बताओ लेकिन तो ताकत आना सौ कहाँ गरियावल जाओ उन्होंने के हमने गरियाओ तो इंजा का करूँ सब बेचारा प्राइवेट में तो खट ना पहुँचा सौ कलम चलो बन सौ पढ़ल लिखल बना सौ तो कलम चलो बन सौ भैया तो कहते हैं मास्टर के भर्ती कर पुलिस अरे वो मास्टर के भर्ती कर तो हम कहाँ कैलो और यो पद रह सौ तो कहना चाहिए इतना कहीं कितना नौकरी दे दे असला घोबटी गुँ तो घर घूमत रहो झूठ ही तो कहत रहो कोई लिखो गई मान सौ को लिखा तो कोई घरे बना और कोई बतियाओ वाला बाहो तो आ जा भैया आ जा आ जा आ जा तू आ जा अरे आ जा तू बड़ा चौथ बड़ा चर्चा में बड़ा तू सब तो के मर सिफारस कर बा का नाम भाई अभिमन्नु राजभर भैया राजभर जी ओम प्रकाश राजभर की कालीचरण राजभर ओम प्रकाश राजभर कहाँ हैं भाई उनके साथ हम रहते हैं साथ रहते हैं। हाँ कालीचरण भगा देना गाना के लेना हम उनके यहाँ जाते नहीं हैं जाते ही नहीं का कमी दिखेला उनके बहुत कुछ कमी है। दो बार विधायक रहे कुछ नहीं करके दिखाए हैं जहूराबाद में मंत्री जी तो बहुत सारे काम कर दिए हैं कर दिए हैं और क्या साथ है इसलिए कर दिए कि नहीं साथ भाई चुनाव में साथ है ना लड़ रहे तब साथ में है। अच्छा और बताइए तो सरकार बन जाएगी इस बार? बिल्कुल बनेगी मंत्री जी को हम लोग मिनिस्टर बना कर रखेंगे बिल्कुल अखिलेश भैया की सरकार बनने वाली है। तो देखिए ये समर्थक हैं तो जाहिर सी बात है बोलेंगे लेकिन पूरा आपको यहाँ पर तहसील परिसर में एक पूरा चुनावी माहौल आपको देखने को मिल रहा है नेताजी लोग मिल जा रहे हैं आम जनता भी मिल जा रही है और मुस्कुराते मुस्कुराते भैया भी आ गए। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार यादव। यादव जी का माहौल? माहौल यहाँ एकदम सभी लोग अखिलेश यादव बोल रहे हैं ओम प्रकाश को बड़ी बहुमत से जिताएंगे जहूराबाद में। सब सपा को दे दी सछड़ी पर हदम शहर बिरादर जब एक तरफा ओम प्रकाश राजभर को बैकवर्ड के जितने लोग हैं सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नेता जो अपने आप त्याग दिए अपनी गद्दी को बताइए जिनकी सुनवाई नहीं रही योगी मोदी की सरकार में क्या है यही है कहते हैं कि गुंडा भगा देंगे उनके सरकार में हम बोल रहे हैं तो डर लग रही है मीडिया पर कि हमको देख लेंगे हमारे पर गुंडा एक्ट चलवा देंगे जोगी बाबा की यही सरकार है। हाँ नहीं हम यादव हैं तो हम इस पर बोल रहे हैं तो, अच्छा तो प्रकाश राज सवर्ण नहीं उठ देंगे क्या आप कह रहे हैं खाली पिछड़े देंगे? नहीं नहीं सब देंगे ये सवर्ण की बात नहीं लेकिन उनकी जोगी बाबा की जो सोच है जो कुछ उनके नेता हैं ये नहीं सामान्य के लोग भी ओम प्रकाश राजभर को देंगे ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे उनको भी देंगे लेकिन उसमें कुछ है बीजेपी के लोग वो जाकर शिकायत करेंगे जोगी बाबा से जूनते गुंडा एक्ट लग जाएगा। यादव ऐसे यादव है इनके पर गुंडा पे अच्छा, ये आरोप लगेला कि अखिलेश यादव सरकार बन जी तो यादव लोग हो जिसे अहिर बोले जाला बड़ी मार मार लोग दौड़ा दौड़ा के सब आप तो मीडिया वाले हैं देखे होंगे ये तो पूरी तहसील के लोग बैठे हैं किसी को यादव मारे हो तो बताइए चाहे लोग कहना यादव मार पड़ा ये तो रिमर फैलाया जाता है कि रिमर। हाँ बोलिए। हाँ तो सरकार बनी तो कुटबाट बना ना ना नहीं भैया ऐसा काय को करेंगे लोग हल्ला तो करना सपा सरकार आई थी यादव लोग एकदम जोर में वो विपक्ष का मुद्दा है वो का कथा देता कहत हैं कि जब अहिर मरी हो तो उन्हें पिटें हो अहिर तो सरकार में रही पावरफुल है थाना में सुनवाई ना हो पावरफुल कर रही हो कब को हाथ उड़े रही दूजे न रही कहना थाना चौकी सुनवाई ना हो नहीं कहे ना सुनाई हो भैया। हाँ
मान लग प्रशासन काहे खातिर के हा कहले प्रशासन तो हाथ में मुट्ठी में रहला यादव जिलोन। अरे भाई ठीक है तो का करिए उन्हें की घर कहूँ कुल जनता जनता के चर्चा चले ला जो कहते हैं कि यादव जी लोग कमजोर रही है पावर में रही है। नहीं नहीं भैया कमजोर ना रही है ना पावर में रही है। अच्छा सादा रही है का हो यादव जी लोग पावर में रही है सरकार बनने में। हाँ सरकार बनेगी। हम हीरा पासवान बोले हैं जय सोलदे जय समाजवाद और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ड्यूटी सीएम प्रकाश राजभर बनेंगे। अच्छा पीला तू पहले वाला लड़का पीला पहने से नहीं है हम 17 साल से मंत्री का सिपाही है भैया सुने। अच्छा मंत्री सिपाही हम ये लोग अभी बात चल रहा है मंत्री यहाँ डक बंगला बनवाए हैं। अच्छा कोई नहीं बनकर बनवा के दिखाया है तो मबाक बैठेंगे सुते होंगे वही ना सब लोग यहाँ का अधिकारी सब सो रहे हैं। अच्छा अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ उसका। अच्छा उद्घाटन नहीं हुआ नहीं अब मंत्री बनेंगे तो उद्घाटन करेंगे। देखिए यहाँ पर डक बंगला था तो हम सड़ा हुआ था मंत्री जी बनवाए नया हॉस्पिटल की जगह है वही अब मंत्री बनकर उद्घाटन करेंगे। हाँ करेंगे वही। अच्छा हाँ अच्छा भैया सुनिए अभी ये चर्चा चली थी मान ली सरकार बन जाएगी अखिलेश यादव की तो यादव जी लोग सुनने में आता है प्रभावशाली हो जाते हैं ऐसा होता है। अब तो यादव जी बताएंगे। हाँ आप लोगों का सुना कुछ अनुभव? हमारे पास कुछ अनुभव कुछ अनुभव नहीं है दबंग हो जाते हैं दबंग हो जाते हैं। अच्छा देखा चाचा कहते हो दबंग हो जाए लोग दबंग हो जाते हैं ना गलत बात है। रुकेगा अभी बताइए यह सभी सबका मत है अपने मुंह से जो कहें ये तो नहीं है कि लोकतांत्रिक देश है सब आजाद है कहने के लिए तो देखिए लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का बड़ा उत्सव चल रहा है यूपी के विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो अपने लोकतांत्रिक प्रणाली का बहुत बड़ा उत्सव है लोगों को सबका अधिकार अपनी बातें रखने का अपना मत देने का तो आप भी अपने घर से जाइए और आने वाले 7 तारीख को या जहां पर जिस दिन आपका वोट हो मतदान जरूर करिए अपनी सरकार बनाइए और जब अपना विधायक चुनेंगे नेता चुनेंगे तभी वो नहीं काम करें तभी आप गरिया भी पाएंगे उनकी आलोचना भी कर पाएंगे। तो बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।